बिजी कार्यक्रम के चलते और नाव जनपद पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व MLC सुनील सिंह साजन ने केंद्र सरकार व UP सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सुनील सिंह बोले कि अब की बार आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी से BJP का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन कांग्रेस पर नरमी बरतते हुए कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही और कहा कि मोदी को गंगा मैया जी की कसम है बनारस छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग का वादा है कि हम हरा करके भेजेंगे। और योगी सरकार द्वारा प्रयागराज में मनाए जा रहे महाकुंभ पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी वाले भारत की संस्कृति को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। योगी जी जितने भी बड़े अपराधी हैं, उनको सबको बाबा बना करके कहीं ना कहीं सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अर्धकुंभ को कुंभ बताकर नाम बदलने वाले सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं, और इतना ही नहीं मीडिया को मोदी के लिए काम करने वाले बताया, जो कि अपने चैनल के माध्यम से उनकी सरकार बनाने में मदद करती है। और तो और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज को राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह कर चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करना बताया। पेश है उन्नाव के संवाददाता सहवान मलिक की खास रिपोर्ट। देखिए, कुंभ पर सबकी आस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी जितने भी बड़े अपराधी हैं, उनको सबको बाबा बना करके कहीं न कहीं सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ है। काहे का कुंभ, अर्ध कुंभ को कुंभ बता रहे हैं। ये नाम बदलने वाले सरकार में बैठे हैं, ये भारतीय संस्कृति सभ्यता से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन्होंने नाम बदलने की कोशिश की है, जनता उनकी सरकार बदले। मुझे लगता है साक्षी महाराज ये 20-25 साल से बयान दे रहे हैं कि मंदिर बन के रहेगा, हर बार चुनाव जीत लेते हैं, फिर लोगों को गुमराह कर देते हैं। और साक्षी जी ने कोई काम तो किया नहीं, केवल बयान देते हैं तो देते रहे बयान, अब की पता लगेगा गठबंधन में। ये देखिए, गोदी मीडिया है, और मीडिया के कुछ लोग जो सामंती सोच के हैं, जो पिछड़े दलितों मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज दलित समाज से भी लोग सरकार में शामिल हों, उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनको लगता है कि न्यूज के रूम से बैठ करके वो मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बना देंगे, तो वो सांसद नहीं बना सकते, प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात। गठबंधन के बाद वो सारे लोग डर रहे हैं, जो अपराधी हैं वो सारे डर रहे हैं, जो सामंती हैं वो सारे लोग डर रहे हैं, जो देश में जुमले बोलकर सरकार बनाए थे उनको मालूम। मैं तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी क्यों उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों बनारस छोड़ के भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को गंगा मैया की कसम है, बनारस छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों का वादा है कि हम हरा करके भेजेंगे। नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई नुकसान नहीं, भाजपा से हमारा कोई नुकसान नहीं, सपा बसपा का गठबंधन है। हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को 2 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी को 0 पर लेकर के आए।